उत्तराखंड और देश में अक्सर आपने बड़ी बड़ी गड़बड़ियां देखी और सुनी होंगी। इन गड़बड़ियों से कोई भी विभाग अछूता नहीं रहा है। बागेश्वर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। यहां पर खेल विभाग में ही खेल कर दिया गया। जी हां, खेल विभाग ने बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए तैयार किए जाने वाले सिंथेटिक कोर्ट की टेंडर प्रक्रिया में बड़ा खेल कर दिया है। विभागीय अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी ही नहीं की बल्कि काम शुरू होने से पहले ही एजेंसी को 10 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। मामले का संज्ञान लेकर अब जिलाधिकारी ने जांच और कार्रवाई की बात की है। जी हां, बागेश्वर के खेल विभाग ने खिलाड़ियों और प्रशासन के सपनों को पलीता लगाया है। कोर्ट तैयार करने के लिए जिस कंपनी के नाम का टेंडर खुला, विभागीय अधिकारियों ने आनन फानन में महज 20 दिन के भीतर सारे कागजात तैयार करने के साथ साथ भुगतान के लिए बिल भी लगवा दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि एजेंसी ने खेल विभाग को बिना काम शुरू किए मार्च में 9,80,410 रुपए का बिल भी थमा दिया, जिसके आधार पर विभाग ने महज 4 दिन में यानी कि 28 मार्च को बिना किसी शर्त और लिखत पढ़त के बिल का पूरा भुगतान भी कर दिया। इस समय हमारे पास तो कोई नहीं, स्थायी एक कोच है हमारे पास, हॉकी के हैं जो कि उप क्रीड़ा अधिकारी भी और हॉकी के कोच भी हैं यहाँ पर। तो वैसे हमारे जो है फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ताइक्वांडो हो गया, हॉकी हो गई और आपका बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गई, ये गेम यहाँ पे चलते हैं। हाँ, पेमेंट हो गया है, उसमें मॉइस्चर जो लिक्विड डाला है उन्होंने, वो सूखने में उसमें टाइम लग गया है। जैसे ये सूख गया तो मतलब अब उनकी टीमें आ चुकी है, सामान आ चुका है 10 तारीख तक। जानकार बताते हैं कि नियमानुसार सारा काम जब ग्रामीण निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा था तो सिंथेटिक कोर्ट की जिम्मेदारी भी विभाग की ही थी, मगर खेल विभाग ने किसी भी मानकों का पालन नहीं किया जो कि नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाता है। जिलाधिकारी ने बताया कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके आधुनिकीकरण में किसी भी प्रकार से धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। खेल विभाग का मामला संज्ञान में आया है, मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाएगी। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण था उसमें कार्य को पूरा किए हुए ही उनको पेमेंट दे दिया गया संबंधित कंपनी को। तो इस पे हमने CDO और जो हमारी वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं उनकी एक कमेटी हमने गठित की थी और कमेटी ने पूरा विस्तार से जांच रिपोर्ट सौंपी है, जो ऑर्डर किया है खेल विभाग को कि खेल विभाग इसमें एक महीने के अंदर जितना भी काम पूरा हुआ अभी तक, कमेटी ने कहा 60% काम लगभग पूरा हुआ है, तो उतना धनराशि को छोड़ते हुए जो भी शेष धनराशि है उसको शासकीय जो खाता है विभाग का उसमें प्राप्त करे। जिला क्रीड़ा अधिकारी या खेल विभाग इसमें असफल होता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। बहरहाल ये प्रोजेक्ट DM और खिलाड़ियों का एक सपना था, एक ऐसा सपना जो कि युवाओं के खेल में गुणवत्ता लाता, लेकिन जब विभाग ही खेल में खेल कर गया तो भला क्या होगा। अब देखना यह है कि आगे कैसी कार्रवाई की जाती है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।